हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंकज, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो। हाँ सर, कौन नहीं बनना चाहता सर। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दोगे? हाँ सर, पूछिए ना, मैं तैयार हूँ सर। अच्छा ये बता, भैंस बड़ी होती है या अकल? ये कैसा सवाल है? अब सवाल तो सवाल ही है ना, बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो ना तुम? हाँ सर। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। सर मेरे हिसाब से भैंस बड़ी होती है सर, अकल बड़ी होती है। सर कैसे सर, भैंस तो इतनी बड़ी होती है और अकल तो इतनी सी। अरे पंकज, बिना अकल की भैंस किस काम की। ओ सर, आपके तो पॉइंट में पॉइंट है। थैंक यू। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। पूछो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताइए, अंडा पहले आया या मुर्गी? ये भी कोई सवाल है? सवाल तो सवाल होता है ना। बताइए। मुर्गी। सर पहले अंडा आया सर, फिर मुर्गी आई सर। मुर्गी पहले आई, उसने अंडा दिया। सर पहले अंडा सर। मुर्गी। अंडा सर। मुर्गी। अंडा। देखा सर। हेलो, एसीबी प्रद्युमन ये। हेलो सर, सर बचा लीजिए प्लीज मुझे सर। कौन बोल रहा है सर? मैं उदय बोल रहा हूँ सर। सर मेरी जान खतरे में है सर। मेरी जान खतरे में? क्या हुआ, क्या है, बताओ तो सही। सर ये पागल मुझको मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए सर, जल्दी आइए प्लीज। अच्छा तुम कहाँ हो बताओ? सर मैं जोगेश्वरी ईस्ट हाईवे वेयर हाउस से बोल रहा हूँ सर। सर प्लीज जल्दी आइए सर, नहीं तो। हेलो कट हो गया। जोगेश्वरी ईस्ट हाईवे वेयर हाउस। जगह तो यही बताई थी उसने, और यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। आवाज कैसी? अंदर से आ रही है। ये कहीं उदय तो नहीं? बांध के रखा है। क्या ये सर क्यों ला? हम लोग सीआईडी से फोन पे बात हुई थी तुमसे, बार बार सर ला, प्रॉब्लम तो नहीं? देखो घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचाने आए। उदय उदय, अरे उदय क्या हुआ? फिर तो मर गया। ये कैसे मर सकता है, अभी तो जिंदा था ये। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला इसकी मौत अचानक कैसे हो गई? भैया मुझे लगता है इसकी मौत जहर की वजह से हुई। जहर की वजह से? हाँ ये देखो, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? ये निशान दिखाई दे रहा काला काला? हाँ सर, जहर यहाँ से इसके शरीर के अंदर गया है और फिर शरीर में फैल करके इसकी मौत हो गई है। एक मिनट भैया, देख रहे हो यहाँ कुछ है? हाँ सर। एक सेकंड ये देखो, ये जहरीली सुई चुभोई गई है इसकी गर्दन पे, इसकी वजह से मौत हुई है इसकी। मगर सर जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तभी आदमी जिंदा था, तो क्या इसे कोई ऐसा जहर दिया गया है जिसका असर धीरे धीरे होता है? वो तो पता करना पड़ेगा दया। तो सर फिर इनकी बॉडी को फॉरेंसिक ले चले? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, यही पता लग जाएगा। यही पता लग जाएगा? कैसे सर, कोई जादू है? हाँ, जादू ही समझो। ये बॉक्स देख रहे हो, ये जादू ही पिटारा है। क्या सर इस पिटारे में? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, जब भी मुझे जरा सा भी शक होता है कि किसी इंसान की मौत जहर की वजह से हुई है, मैं तुरंत उसका ब्लड सैंपल लेकर के यहाँ इस पैनल पे रखता हूँ। उससे क्या होता है सर? उससे होता ये है कि ये जादुई मशीन 2 सेकंड के अंदर बता देती है कि वो जहर आखिर है कौन सा। ये तो हमारे काम की चीज है। हर चीज बहुत काम की होती है भाई। अब देखो,
पता चल जाएगा कि ये जहर है कौन सा। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है यार? क्या हुआ सर? अरे इस आदमी की बॉडी में तो डेक्सटॉन नाम का जहर है। डेक्सटॉन? हाँ, बहुत खतरनाक जहर होता है, 4 सेकंड में इंसान मर जाता है। 4 सेकंड में? ये कैसे हो सकता है सर? जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये आदमी जिंदा था। इसका मतलब ये है दया, जब तुम लोग इस आदमी की तरफ बढ़ रहे थे उसी दौरान किसी ने ये पिन चुभोई है इसकी गर्दन पर। मगर सर उस वक्त यहाँ आसपास कोई नहीं था, हमने तो नहीं देखा। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा होगा। हाँ ये हो सकता है। पीछे हट। ये बटन ट्रिगर जैसा कुछ है सर, यहाँ पे कैसे? यस ट्रिगर। एक मिनट, तुमने बताया कि जब तुम लोग इस आदमी की तरफ बढ़ रहे थे ये अपना सर ऐसे ऐसे हिला रहा था। हाँ सर, तो आप कहना चाहते हैं कि? वही कहना चाहता हूँ दया, इस आदमी को पता था कि इसकी मौत आने वाली है, इसीलिए ये गर्दन हिला हिला कर तुम्हें आगे बढ़ने से मना कर रहा था। लेकिन आप लोग इसकी बात समझ नहीं पाए और गलती से किसी का पैर इस ट्रिगर पे पड़ गया और सुई आके इसके गर्दन पे लगी और इस बेचारे की मौत हो गई। ये लाल बटन अगर ट्रिगर है और सुई इसके गर्दन पे बाई तरफ लगी, मतलब वो सुई यहाँ इस तरफ से आई होगी, इस दीवार की तरफ से। बिल्कुल। सर ये देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म जैसा कुछ है, इसका मतलब है वो सुई यहाँ स्प्रिंग में थी और जैसे ही हम में से किसी का पैर उस ट्रिगर के ऊपर लगा उससे यहाँ से निकली और सीधे इसके गर्दन पे चाके लगी और इस बेचारे की मौत हो गई। अरे फिर से वही नंबर। हेलो, क्या पूछूं तुमसे सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर दया? हेलो, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है तुम्हें ये जान करके तुमने और तुम्हारी टीम ने एक खून किया है, बेकसूर और एक निर्दोष इंसान की जान ली है, देशवासियों की रक्षा करने की कसम खाई थी ना तुमने? हार गए ना? आज जीत का सिलसिला तुमने शुरू किया है मगर खत्म हम करेंगे। जिस दिन तू सीआईडी के शिकंजे में फंस गया ना बेटा, उस दिन तुमने जो कुछ किया उसका अफसोस करने का मौका तक नहीं मिलेगा, समझा? हंस क्या रहा है, बहुत बहादुर है तू, हिम्मत है तो नाम बता, है कौन तू? मैं कौन हूँ तुम्हें जानने के लिए वहाँ आना होगा जहाँ पे मैं हूँ। 30 सेकंड मैंने तुमसे बात कर ली है और तुम्हारे लिए ये जानना बहुत आसान हो गया है कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। वैसे सुना है कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका दिया जाना चाहिए, और अगर अब हिम्मत है तो मेरी दूसरी चुनौती स्वीकार करो। सर, 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 मुझे प्लीज बचा लीजिए। कौन हो तुम? हेलो सर, इस पागल आदमी से मुझे बचा लीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया सर, सर मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। सर प्लीज प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। हो कौन तुम? हेलो सब सुन लिया ना, तो मेरा चैलेंज भी तुम समझ ही गए होगे। लेकिन हर खेल में एक पड़ाव होता है, पड़ाव एक, पड़ाव दो, यानी कि खेल और भी मुश्किल होता जाता है। तो मैं भी इस खेल को और मजेदार और तेज बनाना चाहता हूँ। इस बार मैं इस बेगुनाह को बचाने के लिए तुम्हारे लिए बस 2 घंटे दूंगा। अगर देर हो गई तो गाड़ी स्टेशन से छूट जाएगी, यानी कि मैं इसे मार दूंगा, समझे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन इसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, आप लोग होंगे। और अगर इस बार आप हार गए तो ये आपकी दूसरी हार होगी। समय शुरू होता है। ए, सुन, हेलो, हेलो। इस पागल आदमी की वजह से हमने इस बेचारे आदमी की जान ले ली। सर इस पागल आदमी का मोबाइल हमें जल्द से जल्द ट्रेस करना होगा सर। हाँ सचिन, मगर हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा, एक और आदमी की जान को खतरा है, किसी भी तरह इस सर फेरे को ढूंढना होगा। या थैंक्स अ लॉट। जिस फोन से कॉल आया था उसका लोकेशन ट्रैक हो चुका है, मीरा रोड के एक बंगले से फोन किया गया था वो। मीरा रोड ले लो। लेकिन सर अभी तो हम जोगेश्वरी में ही। हाँ, मीरा रोड पहुँचने में कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा, और वो भी तब सर जब ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और ये तो पीक ट्रैफिक आ रहा है। विनीत शॉर्टकट ले लो यार। यस सर, वहीं से लेता हूँ। हेलो, यस सर, उदय, वो भी उसी का था? हाँ सर, हम लोग सीधा मीरा रोड जा रहे हैं। ओके ओके सर। जोगेश्वरी वेयर हाउस में जिस आदमी की मौत हुई थी उसका नाम उदय था, और वो गुड लुक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, और जिस वेयर हाउस में मौत हुई वो भी उसी के नाम था। अब ये क्या बात? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि ये आदमी उदय जिसकी लाश मिली है
वो गुडलू कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भी है, वो वेयर हाउस भी उसी का है, उसकी लाश भी उसी वेयर हाउस में मिली है। तो कुछ तो चक्कर जरूर है सर। ओ, मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये खूनी अपने गुनाहों में हमें कुछ शामिल कर रहा है। हाँ, अगर उसे सिर्फ उदय को मारना था तो वो उसे आसानी से मार सकता था, उसने ऐसी चाल क्यों चली? कातिल ने जानबूझकर उदय को तब तक जिंदा रखा जब तक हम मौका वारदात तक न पहुंच जाए, और जैसे हम वहां पहुंचे उसने। लेकिन वो जो कोई भी है उसने हमें ही निशाना क्यों बनाया? कोई ना कोई कनेक्शन तो है उसका सीआईडी के साथ, जानबूझ के सीआईडी से पंगे ले रहा है। काफी शातिर और चालाक आदमी है ये। सर एक आदमी की जान खतरे में, वो जगह हमें किसी भी तरह ढूंढनी होगी। सर ये उदय और ये मीरा रोड वाला आदमी, इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। एक बार हम उस आदमी की जान बचा लें फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यही बंगलो है वो। एक, सब लोग सावधानी से होशियारी से, अंदर कुछ भी हो सकता है। इस बार हमें उस आदमी की जान बचाना ही है। सर ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई गलती करने जा रहे हैं? देखिए ये भी हो सकता है कि किलर ने इस दरवाजे में ऐसी कोई चीज लगा दी हो जिससे कि हमारे ये दरवाजा खोलते ही अंदर उस आदमी की मौत हो जाए। ऐसा लगता नहीं है सूरज। खूनी अगवा किए हुए आदमी को सीआईडी के सामने मारना चाहता है ताकि सीआईडी लाचार और बेबस देखती रहे। लेकिन सर तुम सिर्फ सर की बात सुनो और उसका अमल करो। चलो सर प्लीज मेरी बात समझिए, मैं आप लोगों की मदद ही करना चाहता हूँ। मदद की जरूरत अंदर पड़ेगी सूरज। आगे बढ़े तो मैं इसके चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। क्या बिगाड़ा इस आदमी ने तुम्हारा है? छोड़ दो इसे। छोड़ दूंगा, जल्दी भी क्या है, पहले एक खेल तो खेल लूं तुम्हारे साथ। खेलना चाहोगे? देखो अगर इस आदमी को बचाना है तो इस बॉक्स का रिमोट मैंने इसी कमरे में छुपा के रखा है, यहीं पर, और उसके लिए तुम्हारे पास है 30 सेकंड, और तुम्हारा खेल शुरू होता है अब। सर वेल डन ऑफिसर्स, वेल डन, पहला पड़ा पार। अब इस रिमोट में जैसा कि दो बटन है, एक से बॉम्ब एक्टिवेट होगा और दूसरे से डीएक्टिवेट। अब ऑफिसर्स फैसला तुम्हें करना है। कौन सा बटन? तुम्हारे पास सिर्फ बचे हैं 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक गलत कदम और निर्दोष की मौत। एक तुम जैसे दोनों सीनियर्स ऑफिसर्स के होते हुए दोनों मासूमों की जान चले गई ऑफिसर अभिजीत, इतनी लापरवाही। खैर इतना समझ लो कि इस खेल का सूत्रधार मैं हूँ और तुम लोग महज कठपुतलियाँ हो। सुनो अभिजीत, बहुत खेल लिया, अब बाकी का खेल कल खेलेंगे। मौत के खेल के लिए तैयार रहना, बाय बाय। तुम जो भी हो, ये मौत का खेल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। सीआईडी तुमको ढूंढ के निकालेगी, सीआईडी से बच नहीं पाओगे तुम, समझे? उस बॉम्ब की वजह से जिसकी मौत हुई उसके बारे में कुछ पता चला? सर पंकज गया पता लगाने, आता ही होगा। पहला आदमी जिसका खून हुआ डेक्सटॉल पॉइजनिंग से, गुडलू बिल्डर्स का पार्टनर उदय, और अब ये दूसरा आदमी जो बॉम्ब की वजह से मरा। ये दोनों खून में कोई ना कोई संबंध जरूर है। वहां अभिजीत बेचारा अपने आप को कोस रहा है कि गलत बटन दबाने की वजह से ब्लास्ट हुआ और उस आदमी की मौत हुई। लेकिन ऐसा है नहीं बॉस, अभिजीत से कहो अपने आप को दोषी मानना बंद कर दे। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, ये है वो रिमोट जो अभिजीत के हाथ में था, और ये है वो बटन जिसके दबने से उस मासूम की जान गई। लेकिन जब मैंने इस रिमोट को अच्छी तरह से चेक किया और इसके सर्किट्स को चेक किया तो पता ये चला कि दरअसल ये जो दोनों बटन हैं
वो दोनों बटन एक ही तार के साथ जुड़े हुए। मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब ये फ्रेडी कि अभिजीत से इनमें से कोई सा भी बटन दबता एक तार से जुड़े होने की वजह से वो बॉम्ब ट्रिगर होना ही था, उस मासूम की जान जानी ही थी। यही तो चाहता था वो, यही तो चाहता था कि अभिजीत के हाथों बटन दब जाए, ब्लास्ट हो जाए, सीआईडी फंस जाए। इतना गुस्सा आ रहा है उस खूनी पर, जी चाहता है उसकी गर्दन मरोड़ दूं। हमारे साथ खेल खेल रहा है वो, अपने खेल में हमें फंसाए जा रहा है। अब तो हम उसी का खेल खेलेंगे, उसी के साथ, फिर देखते हैं कौन फंसता है उस खेल में। सर, सर उस दूसरी लाश का पता चल गया है। उसका नाम दीपक है सर, और वो गुड लुक बिल्डर्स का दूसरा पार्टनर है सर। क्या क्या कहा? गुड लुक बिल्डर्स का दूसरा पार्टनर दीपक, और पहले जिसकी डेक्सटॉल पॉइजनिंग से मौत हुई वो भी गुड लुक बिल्डर्स का पार्टनर। उदय, एक ही कंपनी के दो दो पार्टनर्स की मौत, क्यों, किस वजह से? सर, इस गुड लुक बिल्डर्स के दो और पार्टनर भी तो है, विशाल और राकेश, और दोनों के फोन बंद आ रहे। विशाल और राकेश के फोन बंद आ रहे हैं, तो फिर जरूर ये खूनी इन दोनों के पीछे पड़ेगा। पर क्यों, क्या इरादा है इसका? ये जरूर कोई जाति दुश्मनी नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं कि चारों पार्टनर्स को खत्म करके पूरी कंपनी को ही खत्म कर दे? सर, मैंने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि गुड लुक बिल्डर्स और ग्रेस डांस एकेडमी के बीच में लीगल डिस्प्यूट चल रहा है सर। ग्रेस डांस एकेडमी और गुड लुक बिल्डर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है? पता लगाना पड़ेगा किस वजह से अनबन हो रही है ग्रेस एकेडमी और गुड लुक बिल्डर्स के बीच में। एक्सक्यूज मी जी, ये डांस एकेडमी कौन चलाता है? जी मैं। आपका नाम? स्मृति। आप लोग? हम सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछना है। सीआईडी? पर मैं तो सिर्फ ये डांस एकेडमी चलाती हूँ। देखिए आप घबराइए मत, हम आप पर कोई आरोप लगाने नहीं है। तो फिर? हम बस आपके और गुड लुक बिल्डर्स के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ओह, वो चार गुंडे? गुंडे जी हाँ, मैं तो उन्हें गुंडाई कहूंगी। वो लोग मुझसे मेरी डांस एकेडमी छीनना चाहते, यहाँ तक कि इस बिल्डिंग को तोड़ के वो लोग यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते। ओह, तो ये बात है। उन्होंने आपकी एकेडमी छीनने के लिए कुछ गैर कानूनी हथकंडे भी अपनाए? हाँ सर, अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ के मालिक पर दबाव डाला है, जिसके वजह से हमारी 10 साल की लीज कैंसिल कर दी गई है। और तो और, हमारी NOC के बगैर उन्होंने ये जमीन भी खरीद ली है, और हमें दूसरी अकेडमी के लिए जगह भी नहीं दे रहे। नई अकेडमी के लिए वो लोग आपको दूसरी जगह क्यों नहीं देना चाहते? उन चार पार्टनर्स में से तीन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक है मिस्टर राकेश, उन्हें प्रॉब्लम है। आपको पूरा यकीन है कि सिर्फ राकेश आपके खिलाफ है? हाँ सर, पक्का यकीन है। यहाँ तक कि जब उन तीन पार्टनर्स ने हमें डांस एकेडमी के लिए नई जगह देने की बात की थी, तो मिस्टर राकेश ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। ये सब आप कैसे जानते? जी, उस दिन मैं उन बिल्डर्स के ऑफिस गई थी उन्हें ये समझाने के लिए कि हमें डांस एकेडमी के लिए दूसरी जगह दे दे। तो उनके केबिन में घुसने से पहले मैंने उन्हें बातें करते हुए देख लिया, तो मैंने उनकी बहस को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। क्या वो रिकॉर्डिंग अभी भी आपके पास है? जी हाँ, उसे मैं कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करूंगी। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हम देख सकते हैं? जी हाँ, एक मिनट। थैंक यू। भाई राकेश, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है। तुम उस डांस एकेडमी की मालकिन, वो क्या नाम है उसका, स्मृति, उसको उसके डांस एकेडमी चलाने के लिए कोई दूसरी जगह क्यों नहीं दे देते? क्यों दे दे हम? अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? 2 एकड़ जमीन देनी पड़ेगी। 2 एकड़ कोई मुफ्त में नहीं आता है। 8 करोड़ रुपए लग जाएंगे, 8 करोड़। हम यहाँ पर बिजनेस करने बैठे हैं, कोई दान दक्षिणा देने के लिए नहीं। क्यों विशाल, मैं सही कह रहा हूँ ना? यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब स्मृति का लीज रद्द किया था तो उससे एक वादा भी किया था कि उसे डांस एकेडमी चलाने के लिए एक नई जमीन देंगे। किया था कि नहीं वादा? राकेश, ये मत भूलो कि गुड लुक बिल्डर्स के मालिक तुम अकेले नहीं हो, इस कंपनी के हम चार पार्टनर्स हैं, और जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा हम सबकी सहमति से लिया जाएगा, समझ गए तुम? तुम लोग नहीं मानोगे ना तो भाई मनवाएंगे। कौन भाई? कौन भाई? ये देखो, भाई का फोन भी आ गया। एक मिनट। हाँ भाई जी, समझ गया, पता चल गया कि आपको सब खबर लग गई है। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उन तीनों को समझाऊंगा, तीनों मान जाएंगे, पक्का पक्का। सुन लिया,
भाई को सब पता चल गया है। तुम धर्मात्माओं की आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की बात कर रहे थे। मैंने तो समझा के रोक दिया है, लेकिन अगर तुम लोग नहीं माने ना और स्मृति को जमीन देने की बात की तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। तुम तीनों तो मरोगे ही, लेकिन मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता हूँ। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है, क्या करना चाहते हो सोच लो। आप हमें बता सकती हैं कि ये रिकॉर्डिंग आपने किस दिन और किस वक्त की थी? जी, ये मैंने 25 तारीख को शाम 4:15 बजे ली थी। स्मृति जी, आप जानती हैं ये रिकॉर्डिंग आपको मुसीबत में डाल सकती है। जी आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोगों की तरह मैं भी हमेशा सावधान रहती हूँ। अच्छा, आपके पास राकेश का नंबर तो होगा ही? जी हाँ। नहीं, ले लो। सारी जानकारी के लिए शुक्रिया। एक और बात, क्या आप वो रिकॉर्डिंग हमें भेज सकती? जी हाँ, मैं अभी ब्लूटूथ से भेज देती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सर, स्मृति के मोबाइल में हमने जो फुटेज देखा था उसमें राकेश को जो कॉल आया था उस फोन नंबर का लोकेशन यही ट्रेस हुआ है। इधर है किसका? सर, शेखर भाई का। शेखर भाई, वो जाना माना अपराधी? यस सर। अच्छा, छोटी छोटी चोरियां करते करते बड़े बड़े हाथ मारने लगा, और अब बड़े बड़े हाथ मारते मारते ये शेखर भाई बन गया। चलो देखते हैं। सर, शेखर भाई का इस केस से क्या संबंध है? हो सकता है ये राकेश शेखर भाई का नाम लेके उसके बाकी के पार्टनर्स उदय, दीपक और विशाल को डरा धमका रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शेखर ने इन दोनों उदय दीपक को हमारे हाथों मरवाया। मगर सर, ये शेखर सीआईडी के कंधों पर बंदूक क्यों रख रहा है? चाहता क्या है? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। हमारे हाथों इन दोनों को मरवा के ये साबित क्या करना चाहता है? सर, शेखर भाई का ऐसा घर? ऐसे लोगों के दिखाने के दांत और होते हैं, संभाल के। पंकज, सर काम करो, पीछे जाके देखो अंदर घुसने का कोई रास्ता है क्या। अकेले सर? नहीं, आसपास के मोहल्ले से लोगों को लेके जाओ। सॉरी सर। शेखर घर पे नहीं है, घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। सर, हाँ पंकज। सर ये देखिए, मौत का सामान यहाँ पे बना रहा है। सर मगर शेखर भाई इसे कैसे बनाएंगे? इसके लिए तो कोई स्पेशल इंजीनियर चाहिए। हो सकता है पंकज तो किसी और से बनवाता होगा। सर, सर जल्दी यहाँ आएंगे। सर पासपोर्ट्स। इतने सारे नकली पासपोर्ट्स? हो सकता है ये शेखर नकली पासपोर्ट बनवा के इंडिया से बाहर निकल गया हो। देखो बॉस, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी दुकान तो है नहीं जहाँ आपको वारंटी गारंटी मिलेगी। ये मेरी छोटी सी दुकान है और आपको भी अच्छे से पता है कि आप मेरे से सामान क्यों खरीदते हो, क्योंकि मैं मार्केट में दूसरों से कम दाम में आपको माल देता हूँ। अरे बॉस, और वैसे भी इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, और बाद में अगर ये खराब हो गया ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब आप जा सकते हैं, आप मुझे माफ कीजिए। अजीब आदमी है यार, बात करना ही बेकार है। अब आपको भी कुछ कहना है? जो भी कहना है मत कहिए, अपने पास रखिए और जाइए यहाँ से। सर ऊपर देखने का कष्ट करेंगे। साहब आप माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन हम तुझे अच्छे से जानते हैं राजू, तू तो कभी ऐसी अजीब सी चीजें नहीं बनाता था। ये काम कब से शुरू किया? सब ये मैंने नहीं बनाया। देख राजू, झूठ बोलेगा तो फंसेगा, समझा? मामला गंभीर है, दो लोगों की मौत हो चुकी है। दो लोगों की मौत? हाँ, इसलिए जो कुछ भी जानता है हमें सच सच बता दे, इसी में तेरी भलाई है। मैं तो आप लोगों का पुराना खबरी हूँ,
आप लोगों से झूठ बोल के मैं खतरा मोल क्यों लूंगा? देख राजू, तू हमें अच्छे तरीके से जानता है। सच उगलवाने के हमें और भी तरीके आते हैं, इसलिए जो कुछ है चुपचाप उगल दे। सच बोलो साहब, ये जो भी बनाने का सामान है ना, मैंने ही बेचा है। अब बोला साहब, ये जो सर्किट के ऊपर निशान है ना, इसको मैं अच्छे से पहचानता हूँ। ये मेरी दुकान का ही माल है। ये सामान तूने किसको बेचा था राजू? दीपू को। कौन दीपू? पिछले हफ्ते तो आया था वो, मैंने उसको पूछा इस सर्किट का तू क्या करेगा, कुछ जवाब नहीं दिया, पैसे दे के चला गया। और क्या जानते हो दीपू के बारे में? वैसे तो वो एक इंजीनियर है, एक अच्छी डिग्री भी है उसके पास, लेकिन फिलहाल वो बेरोजगार है, छोटे छोटे काम करता है और अपना खर्चा चलाता है। दीपू का पता? कौन आ गया? अरे कहीं खोली का मालिक तो नहीं? अरे आ रहा हूं भाई। अरे अरे, आप लोग कौन है और इस तरह कैसे घुसे चले आ रहे हैं? अरे कौन है आप लोग? अरे अरे, तुम्हारा ही नाम दीपू है? हाँ, मैं ही दीपू। कहीं आप लोग, देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगले संडे तक खोली का भाड़ा भर दूंगा, आप लोग मुझे खोली से मत निकालना प्लीज। दीपू, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपको क्या काम है मुझसे? साहब मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, कोई गैर कानूनी धंधे नहीं करता। कोई गैर कानूनी धंधे नहीं करते। ये रिमोट और ये ट्रिगर तुमने ही बनाया था ना दीपक और उदय की जान लेने के लिए? क्यों, ये दोनों चीजें तुमने ही बनवाई थी ना? हाँ सब मैंने ही बनाया, लेकिन किसी दीपक और उदय की जान लेने के लिए नहीं। तो फिर किस लिए बनाया था? सब शेखर भाई ने मुझे अपने घर पे बुलाया था ये सारी चीजें बनाने के लिए। यहाँ भी शेखर भाई? ये चीजें तुमसे शेखर भाई ने बनवाई थी? उन्होंने मुझे पैसे दिए थे इन चीजों को बनाने के लिए, लेकिन साहब उन्होंने ये नहीं बताया कि इन चीजों को वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये रिमोट और ट्रिगर बनाते वक्त तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इन चीजों का इस्तेमाल गलत काम के लिए हो सकता है? दो दो जाने गई है तुम्हारी वजह से, दो दो जाने। दो दो जाने? हाँ, तुम्हारे बनाए गए इस ट्रिगर और रिमोट का इस्तेमाल किया गया है बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए और जहरीली पिन चुभाने के लिए। साहब मेरा यकीन करो साहब, मैं किसी बॉम्ब और जहरीली पिन के बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं जानता, शेखर भाई को ढूंढना होगा। और क्या जानते हो तुम शेखर भाई के बारे में? साहब जब मैं उनके घर गया तो वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे, उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो ये सारा काम किसी और के लिए कर रहे थे। इसका मतलब इस सब में कोई और भी शामिल है? और क्या सुना तुमने? साहब उन्होंने उससे कहा कि जब तक तुम्हारा काम शुरू होगा मैं जाली पासपोर्ट के जरिए इस देश से फरार हो जाऊंगा। तो तुम्हें उसी वक्त हमें फोन करके खबर करनी चाहिए थी ना, दो दो जाने बचा सकते थे हम। साहब मुझे माफ कर दो साहब, शेखर भाई जैसे ताकतवर इंसान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया साहब। सर ये दूसरा आदमी कौन हो सकता है जिसके कहने पर शेखर भाई ये सब काम करवा रहे थे? मुझे तो राकेश पर शक है। स्मृति ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दिखाई थी, राकेश का नंबर। हेलो सीआईडी, मैं विशाल बोल रहा हूँ, राकेश ने मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। विशाल तुम कहाँ हो? सर वो आ रहा है सर, मैं फोन रखता हूँ। मुझे लगता है राकेश ने विशाल को बंदी बना के रखा और दीपक और उदय की तरह शायद उसे भी मार देगा। सर हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस विशाल की जान बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, हमें विशाल को बचाना ही होगा, लेकिन उससे पहले राकेश का फोन ट्रैक करना होगा, पता करना होगा कि ये कॉल आया कहाँ से था। इस बार राकेश को पकड़ना ही होगा, इसके पार्टनर विशाल को बचाना होगा। सर राकेश ने दो दो खून किए हैं, तीसरा हम उन्हें नहीं देंगे। लेकिन सर अगर इस राकेश ने इस बार फिर से कोई चालाकी की तो? दो बार तो कर चुका है, अगर तीसरी बार? इस बार ऐसा नहीं होगा, राकेश ने हमें खुद तो फोन किया नहीं, बल्कि इस वक्त वो हमें फोन करके चुनौती देने की प्लानिंग कर रहा होगा। इससे पहले कि उसे कुछ पता चले हम उसे पकड़ लें। हाँ सर, इससे पहले कि राकेश कोई नया जाल बिछाए इस बार हम उसे दबोच लेंगे। राकेश कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? बोल। आओ आज फिर से एक खेल खेलेंगे, तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, चाहे एक और आदमी क्यों ना मर जाए, तुम अपनी उम्मीद मत मरने देना, आज बहुत साहस की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। आज साहस की जरूरत तुझे पड़ेगी राकेश। राकेश तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? सिर्फ नाम ही नहीं, तेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं हम। क्या मतलब है तुम्हारा? इस वक्त हम उस बंगले की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ तूने विशाल को बंदी बना के रखा है, तो मासूम जानों को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन आज तुझ जैसे दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ कर सजा दिलाएंगे हम। जरा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना। गोली की आवाज, दोनों को चेक करो जल्दी। हो
विशाल का बचना बहुत जरूरी है। अगर ये मर गया तो सीआईडी के हाथों तीन तीन। जल्दी से एम्बुलेंस बुला और दोनों को अस्पताल भेजने का बंदोबस्त करो। सर, निखिल उन दोनों को लेकर एम्बुलेंस के साथ गया। सर, इस राकेश को सजा दिलवाने के लिए विशाल की गवाही बहुत जरूरी है। अच्छे से तलाशी लो। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि राकेश ने इस बार सीआईडी को फंसाने के लिए कौन सा जाल बिछाया था। चेक करो। सूरज, ये मोबाइल तुम्हारा तो नहीं? नहीं नहीं, यहीं पर मिला, मैं आप ही को दिखाने के लिए आ रहा हूँ। देखिए, ये तो स्मृति का मोबाइल लगता है। हाँ सर, जब स्मृति हमें उस राकेश का वीडियो मोबाइल में दिखा रही थी तब मैंने गौर किया था, यही की चेन उसके मोबाइल में लगा हुआ था। सर, ये मोबाइल टूटा कैसे? यहाँ पर ये खून भी है। सर, अगर ये मोबाइल स्मृति का है तो इसका मतलब वो यहाँ जरूर आई थी, और यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसका मोबाइल नीचे गिरकर टूट गया और उसे चोट लगी। यहाँ राकेश और विशाल के बीच में जो कुछ भी हुआ वो तो हमें उन दोनों से पता चली जाएगा। एक काम करो, आसपास के क्लिनिक से पता लगा, अगर स्मृति किसी भी क्लिनिक में नहीं गई थी तो मदद के लिए डांस अकेडमी जरूर गई होगी। सारे क्लिनिक और हॉस्पिटल में पता लगा स्मृति का? हाँ सर, स्मृति कहीं पे भी नहीं गई थी। एक मिनट, माय गॉड, स्मृति, इसे तो गोली लगी है। देखो घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। पंकज, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। पुन क्या मीना? हाँ बताओ। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। स्मृति, स्मृति सर, एम्बुलेंस आती होगी। कोई फायदा नहीं पंकज, स्मृति मर चुकी है। स्मृति तो मर चुकी, और मरने से पहले कोई बताने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी फोन रिकॉर्डिंग वीडियो, जरूर स्मृति ने उस मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग करके रखी है जो कुछ भी हुआ है उस बंगले में। स्मृति का फोन भी तो हमें उस बंगले में से मिला था। काम करो, वो फोन साड़ुंखे के पास भेज दो और उससे कहो कि किसी भी हालत में वो फोन हो हमें रिपेयर करके चाहिए, क्योंकि उसमें स्मृति ने रिकॉर्डिंग करके रखी है जो कुछ भी उस बंगले में हुआ है। ये स्मृति का मोबाइल फोन डॉक्टर सालुंके के पास भेज दिया? जी सर, वो मोबाइल ठीक करके लाते होंगे सालुंके सर। बंदे का नाम लिया आप लोगों ने और बंदा आप लोगों के सामने हाजिर। फोन लाया? वो ठीक हो रहा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर क्यों आया? अभी मैं तुम्हें यहाँ पर एक खास बात बताने आया हूँ, ऐसी बात जिसे तुम सुनोगे तो हिल जाओ। ऐसी कौन सी खबर देने वाला है तू? एक बात बताओ, तुम्हारी गन इस वक्त तुम्हारे पास है? और किसके पास होगी? हाँ मतलब तुम्हारे पास है, तो एक काम करो, अपनी गन निकालो और उसमें से एक गोली हवा में फायर करो, और पंकज तुम अपने कान और आंख बंद करो प्लीज। फायर करो। तेरी तबीयत ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है, एकदम तंदुरुस्त हूँ। तुम फायर करो ना एक गोली हवा में। तू क्या पागल हो गया सालुंके? प्लीज, मैं किसी खास वजह से कह रहा हूँ, प्लीज फायर करो। तू पागल हो गया सालुंके? अरे हवा में। वेरी गुड, खोलो खोलो आंख। अरे काम करो, ये गन मुझे दे दो। तुझे ये गन दूं? गन मुझे दे दो। मैं पागल नहीं हूं। गन दो, विश्वास करो मेरा, मैं चलाऊंगा नहीं। ठीक है, विश्वास नहीं है मेरा? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। अब तुम्हारी ये गन मेरे हाथ में है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस गन में से अभी अभी जो गोली चली है वो भी मैंने चलाई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि भले वो गन राकेश के हाथ में थी पर गोली उसने नहीं चलाई विशाल पर? एग्जैक्टली सर, आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं राकेश के हाथ चेक करके आया हूँ हॉस्पिटल में, और राकेश के हाथ पर तुझे गन पाउडर के ट्रेसेस नहीं मिले। बिल्कुल, जरा भी गन पाउडर के ट्रेसेस नहीं। सर, इसका मतलब राकेश ने गन सिर्फ अपने हाथ पे पकड़ के रखी थी? जी, मतलब उस वक्त कमरे में। सर, अभी अभी पता चला है कि डेक्सटॉन जहर और उस बॉम्ब बनाने वाले बारूद का बंदोबस्त जीतू नाम के किसी गुंडे ने किया था, और इस जीतू का एड्रेस मिल गया। डेक्सटॉन जहर और बॉम्ब के बारूद का बंदोबस्त किसी जीतू नाम के आदमी ने किया था। जीतू
अरे हमें भी चाय पिला। आप लोगों को मेरा नाम कैसे मालूम? कौन है आप लोग? सीआईडी यहाँ पधार चुकी है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। दो दो मासूम लोगों की जाने लेकर यहाँ पर चाय पी रहा है। हाँ? ये आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप! इस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अब याद आया कुछ? हाँ सर, पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी सर, इसलिए मैं गुड्डू की बातों में आ गया। गुड्डू? गुड्डू कौन है? वो राणा का छोटा भाई है सर। राणा? अब ये राणा कौन है? कहीं वही राणा तो नहीं जो पैसे लेकर लोगों के खून करता था और जिसे 10 साल पहले हमने उसे किए की सजा दी थी? हाँ सर। मतलब सर ये गुड्डू अपने भाई राणा की मौत का बदला ले रहा है हमसे? ये क्या है सर, दिन ब दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है इस केस में। ये गुड्डू करता क्या है? वो सर राणा के जैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा है, और आजकल तो वो गुडलुक बिल्डर में पार्टनर बन गया है। क्या गुड्डू पार्टनर है? हाँ सर। मगर सर गुडलुक बिल्डर्स के तो 4 पार्टनर है, उदय, दीपक, विशाल और राकेश। तो फिर ये गुड्डू कहाँ से आ गया? 5वां पार्टनर? ये गुड्डू रहता कहाँ है? कहाँ रहता ये? चौकन्ने रहना, कुछ भी हो सकता है। सर हम एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं, अपराधी हमें सोचने का मौका ही नहीं दे रहा। दरवाजा खोला। लगता है घर में कोई नहीं है। सर शायद यही राणा है। हाँ यही है वो राणा जो अपने जमाने में बहुत ही पाचा हुआ अपराधी था। कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। आवाज कहाँ से? ओह यहाँ भी स्पीकर और कैमरा। वैसे मानना पड़ेगा आपकी सीआईडी की टीम बधाई की हकदार तो है ही, अगर आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच ही गए। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ के आने का कष्ट उठाने के बाद भी तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। हमारा साथ बस यहीं तक है, आज यहाँ आपका जीवन का सफर खत्म होगा हमेशा हमेशा के लिए। वो क्या है ना कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है सीआईडी से हमेशा एक कदम आगे रहने की। इससे पहले कि तुम यहाँ पर पहुँचो मैंने यहाँ पर जाल बिछा दिया था। तुम लोगों ने जैसे ही दरवाजा खोला बम का टाइमर शुरू हो गया। अब सांस लेने के लिए बचे हैं तुम्हारे पास 5 सेकंड। अलविदा सीआईडी, अलविदा। निखिल पंकज भागो यहां से। श्रेया तुम ठीक हो? निखिल पंकज ओके? हेलो। हाँ सर हम लोग राणा के जले हुए घर के बाहर खड़े हैं सर। सर अभी अभी घर के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, गुड्डू ने हमारे लिए उसके घर के अंदर बॉम्ब लगाया था सर। नहीं सर हम लोग ठीक हैं, हम लोग बच गए हैं। तो आप अभी भेज रहे हैं सर? ठीक है सर ओके। क्या हुआ सर? एसीबी साहब का फोन था, डॉक्टर सालुंके ने स्मृति का मोबाइल फोन रिपेयर करवा लिया, उसमें एक और रिकॉर्डिंग मिली है। कैसी रिकॉर्डिंग सर? उस घर की जहाँ पे हमें स्मृति का मोबाइल मिला। इसका मतलब एसीबी सर का शक सही निकला? हाँ आ गया MMS। राणा भैया आज आपके भाई गुड्डू ने आपकी मौत का बदला ले ही लिया, सीआईडी को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। मजबूर हम नहीं तुम हो गए मिस्टर विशाल उर्फ गुड्डू। सीआईडी को मजबूर करने वाले थे घुटने टेकने के लिए, अब तुम हमारे सामने घुटने टेकोगे। इस पानी में क्या मिलाया आप लोगों ने? पानी? उसमें थोड़ा सा एक खास जहर मिला दिया था जो डॉक्टर सालुंके ने हमें दिया। कौन डॉक्टर सालुंके? हमारे डॉक्टर सालुंके। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विशाल ने अपने साथियों को डरा डरा के मारा है उसी तरह ये जहर उसके पानी में डाल दो और फिर मौत का खौफ उसके चेहरे पे देखो और हो सके तो उसे रिकॉर्ड भी कर लेना। पंकज तैयार हो? हाँ सर।
तो रिकॉर्ड कर लो इनके आखिरी पल। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। बहुत खेल खेला है तुमने, इतनी जल्दी थोड़ी मरोगे। मैं अभी तुम्हारे पास 3-4 घंटे, खेलो। इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये सारी प्लानिंग मैंने की थी? दोख तो राकेश के हाथ में थी। हाँ, हमें भी पहले यही लगा, मगर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। उस स्मृति ने जो रिकॉर्ड किया था फोन पे, उसने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। स्मृति, ये देखो, देख देख स्मृति ने अपने मोबाइल पे क्या रिकॉर्ड किया था। क्या बात है विशाल, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। वो क्या है ना कि उदय और दीपक तो अब रहे नहीं, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे माफ करना दोस्त, अब मुझे विश्वास हुआ कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। राकेश, वो दिन भूल गए जब तुम शेखर के साथ मिलकर मुझे डराते थे, धमकाते थे, और आज इतना भावुक हो रहे हो? अबे बेवकूफ, शेखर कभी तुम्हारा दोस्त था ही? उसका दोस्त सिर्फ पैसा है पैसा। उसने मुझसे प्रोजेक्ट में हिस्सा मांगा और मैंने उसे हिस्सा देने का वादा भी किया था। जो कल तक तुम्हारा दोस्त था वो मेरा दोस्त है। ये तुमने सही नहीं किया। और जो तुमने मेरे साथ किया वो सही था क्या? शेखर के साथ मिलकर मुझे डराते थे ना, और वैसे भी सीआईडी को तो शक है ही कि उदय और दीपक का कत्ल तुमने किया। विशाल, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चुपचाप खड़े रहो, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। सीआईडी? मैं विशाल बोल रहा हूँ। राकेश ने मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। अब सीआईडी यहाँ पहुंचती ही होगी राकेश को पकड़ने के लिए। विशाल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने हक के लिए, और वैसे भी सीआईडी से मुझे बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। स्मृति, तुम बेवकूफ औरत, बड़ी डिटेक्टिव बनती थी। हजार बार मैंने मना किया कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन मानी नहीं। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे गोली मार दी। वो भाग गई वहां से, मैंने उसका पीछा नहीं किया, ये सोचकर कि करिया अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही दम तोड़ देगी वो अपना। यही गलती कर दी मैंने। मैं ये भूल गया था कि उसने मेरी और राकेश की बातें रिकॉर्ड कर ली अपने मोबाइल में। लेकिन ये मोबाइल तो टूट गया था, फिर आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिली कैसे? हमारे डॉक्टर साहब, जिनका नाम डॉक्टर सालुंके है, वो तो मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं। ये मोबाइल क्या चीज है? उन्हें एक नहीं अनेक गलतियां की हैं, समझे? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहता सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। मरना नहीं चाहते? निश्चिंत रहो, तुम्हारे पानी में जहर नहीं था, सिर्फ केमिकल था, जिससे तुम्हारे गले में खराश हो गई, थोड़ी खांसी होगी, शहद ले लेना, ठीक हो जाओगे। और ठीक तो होना ही है तुम्हें, ताकि कानून तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दे सके, सजाए मौत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।